लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड की दुनिया बड़ी चक्काचौंध से भरी हुई है। हर रोज कई लोग मुंबई में हीरो बनने पहुंचते हैं। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 90s के दशक में ऐसे लोगों की भरमार थी। ऐसे ही थे रामी रेड्डी, जो पर्दे पर दिखते थे तो लोग डर जाते थे। साल 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध का उनका फेमस डायलॉग टेंशन देने का लेने का नहीं, आपको याद ही होगा। फिल्म प्रतिबंध के इस विलेन ने अपने लिए एक ऐसी पहचान काबिज की जिससे लोग असल जिंदगी में भी डरने लगे थे। फिल्मी पर्दे पर खौफ और डर का पर्याय बन चुके इस एक्टर की असल जिंदगी काफी दर्दनाक रही। रामी रेड्डी का रियल नाम गंगासानी रामी रेड्डी है। रामी ने आंध्र प्रदेश की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री ली। फिल्मों में आने से पहले रामी रेड्डी जर्नलिस्ट थे। उन्होंने मुनसिफ डेली नाम के न्यूज पेपर में नौकरी भी की थी। रामी ने 1990 में तेलुगु फिल्म अंकुशम से एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कुछ और तेलुगु फिल्मों में काम किया। इसी साल उन्हें पहली बॉलीवुड फिल्म प्रतिबंध में काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनका किरदार अना काफी पॉपुलर हुआ और रामी रेड्डी को लोग साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी जानने लगे। इसके बाद उन्होंने करीब दर्जन भर हिंदी फिल्मों में काम किया। रामी रेड्डी का खौफ ऐसा हो गया था कि जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आते तो लोगों के अंदर दहशत फैल जाती। साल 2000 के बाद रामी को लिवर की बीमारी ने घेर लिया। इसके चलते रामी का ज्यादा वक्त घर पर ही बीता था। एक बार वो एक इवेंट में नजर आए थे जहां उन्हें पहचाना मुश्किल हो गया था। रामी को लिवर के बाद किडनी की बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते 14 अप्रैल को उनकी मौत हो गई।